फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं अरेबिक केक। इसको बसबूसा भी कहते हैं, सेबलिना केक भी कहते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम 3 एग्स लेंगे और उनको बीट करना है फॉर 3 मिनट्स। उसके बाद हम इसमें 1/2 कप शुगर डालेंगे। मैं थोड़ा कम शुगर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो आप 1 कप भी कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं। उसके बाद मैं ऑयल डाल रही हूँ 1/3-4 कप। आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं और देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं वनीला एसेंस डालूँगी 1/2 टीस्पून। आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं 1/2 टीस्पून यूज़ कर रही हूँ। और अब मैं कर्ड यूज़ करूँगी 1 कप दही। उसके बाद सूजी सेमोलिना 1 कप मैं ऐड करूँगी। और मैं ले लूँगी अब प्लेन फ्लावर 1 कप। उसमें बेकिंग पाउडर डालूँगी 1 टीस्पून और पिंच ऑफ साल्ट। ये ऐड करके इसको अच्छे तरीके से जो है मैं छान लूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। उसके बाद जो है हम इसको दोबारा से जो है बीटर से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो आप हैंड बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए आप इसे फॉक से भी कर सकते हैं। अब मैं कुकिंग स्प्रे ऑयल यूज़ करूँगी, उससे मैं जो अपना पैन है, डिश है, उसको जो है मैं ग्रीस करूँगी और अपना जो मिक्सचर है उसमें डाल दूँगी और इसको थोड़ा सा टैप करूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। मैं डॉलन्स के माइक्रोवेव कन्वेक्शन मोड वाले ओवन में इसको बना रही हूँ। 180 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने टेम्परेचर रखा था और 35 मिनट के लिए मैंने इसको बेक किया। ये देख लें, नाइफ क्लियर आ गई है, इट मींस हमारा केक रेडी है। अब शुगर सिरप के लिए मैं 1 कप पानी लूँगी, उसमें 1/3-4 कप शुगर डालूँगी। मैं उसमें इलायचियाँ डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आपको अगर नहीं पसंद आप ना डालें। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें एक जो है नॉर्मल साइज़ का जो लेमन है उसको स्क्वीज आउट करूँगी। इसको मैं 3 मिनट्स के लिए बॉईल करूँगी। उसके बाद मैं इसको जो मैंने अपना केक बेक किया था उसके ऊपर मैं इसको अच्छे तरीके से जो है वो उंडेल दूँगी। जो मुल्तान में लोग रहते हैं वो अगर ले कैफ़े या बोंजोर जाते हैं तो वहाँ पे अरेबियन डिलाइट के नाम से ये डिश मौजूद है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए।